बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि आप आज तकरीबन 15-16 रोज़े रहते हैं, अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ईद के दिन तक आपके चेहरे से मुकम्मल तौर पर निशान, स्याहियाँ जो पड़ी होती हैं चेहरे पर वो और कोई भी दाने वगैरह हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और आप हैरान होंगे कि इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है। चले मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हमने लेना है आटा। आटे के तकरीबन 2 चम्मच ले लें। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं बनाना, यानी ज़्यादा आपके घर के लोगों ने यूज़ करना है तो ज़्यादा आप चम्मच ले लेंगे। देखिए मैंने भी यूज़ करना है और साथ मेरी बेटी ने भी यूज़ करना है। और ये आप हाथों पाँव वगैरह पे भी लगा सकते हैं ताकि हाथों के जो निशान वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। मैंने तकरीबन 3 चम्मच मैंने आटे के ले लिए हैं और थोड़ी सी मैंने हल्दी ले लेनी है। ये देखें तकरीबन इतनी सी हल्दी ले लेनी है। ये बिल्कुल उपटन टाइप बन जाएगा और इससे हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक आएगी। और दिन में हमने 2 दफ़ा यूज़ करना है, यानी कि बाकायदगी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। अगर हम इसका यूज़ करते रहेंगे तो ईद के बाद भी हम इसका यूज़ करते रहेंगे, मुसलसल यूज़ करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमें किसी भी फेस वॉश की, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालकर इसे मिक्स कर देंगे। ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखें अभी इसमें पानी थोड़ा डला है, थोड़ा सा और पानी डाल देंगे और इसे फुल अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जितनी अच्छी तरह हम मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसका यूज़ हमें मुसलसल करते रहना है। एक बार आप यूज़ करेंगे आपको रिज़ल्ट अच्छा लगेगा। आप बाकायदगी से, आपका खुद ब खुद दिल करेगा कि आप इतनी अच्छी चीज़ को बाकायदगी से खुद लगाएँ। जिन लोगों का चेहरा ब्लैक होने लगता है ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह उनके चेहरे पर ऐसी शाइन आ जाएगी। ये देखिए मेरा तकरीबन ये रेडी हो गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसके अंदर जितनी गुठलियाँ वगैरह हों उनको अच्छी तरह इस तरह चम्मच के साथ बीट करके आप 15 से गुठलियाँ वगैरह ख़त्म कर दें। ये देखें जी ये रेडी हो गया है। अब आपने इसका करना क्या है, आपने इसे इस तरह अपनी स्किन पर थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे लेप कर लेना है, लगा लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन 5 मिनट का मास्क कर देना है। स्किन पर आपने मास्क लगा रहने देना है 5 मिनट तक। फिर उसके बाद 3-4 मिनट जितनी देर हो सके आपने अपनी स्किन पर, फेस पर, हाथों पर, पाँव पर मसाज करना है। ये उपटन टाइप बन गया है, आपने मसाज करना है। मसाज के बाद आपने अच्छी तरह से इसे अपने चेहरे को, हाथ पाँव को धो लेना है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कदर आपके चेहरे पर नीट आपकी स्किन हो जाएगी कि आप कहेंगे कि पहली बार इतनी ज़बरदस्त रेमेडी हमें मिली है। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, आप मुझे दुआएं देंगे और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आप तक हर मेरी न्यू वीडियो पहुँच जाया करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।